हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीआर एकेडमी। हम कर रहे थे क्लास 12 चैप्टर 5.1, क्वेश्चन 14 है। एफ एक्स इज इक्वल टू 3 होगा यदि 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। 4 होगा यदि 1 लेस देन एक्स लेस देन 3, और 5 होगा यदि 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 10। तो ये हमारा फंक्शन है। देखिए, इसमें आपको एक्स की वैल्यू बहुत सारी दी हुई है। यहाँ पे आपको 0 भी देखने को मिल रहा है, 1 भी देखने को मिल रहा है, 3 देखने को मिल रहा है, और एक 10 देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे डिसाइड किस तरीके से करोगे कि आपको यहाँ पे एक्स बराबर किस पॉइंट पर आपको इसको चेक करना है कि ये जो फंक्शन है वो संतत होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए, इसका आपको देखना है कि जो 1 और 3 है वो यहाँ पे आपको इक्वल में मिल जाएगा, यानी कि एक्स के इक्वल में मिल जाएगा। आपको हर फंक्शन में, आपको इस तरीके का कोई भी फंक्शन दिया हो तो आपको उसमें यही देखना है कि एक्स बराबर जो वैल्यू दी हुई है आपको उसी को मान लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 3 के इक्वल में, यानी कि एक्स के इक्वल में 1 और 3 दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, ये इक्वल में 1 है और यहाँ पे देखिए इक्वल में 3 है। तो आपको दो पॉइंट पर इसको चेक करना है, तो 1 और 1 3, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे x बराबर 1 पर देख लेते हैं। x बराबर 1 पर क्या होगा, फंक्शन का मान निकालते हैं। सबसे पहले x बराबर 1 पर फंक्शन का मान होगा यहाँ पे x बराबर 1 पर 3, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे LHL निकालते हैं। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स, ठीक है, 1 नेगेटिव। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h, ठीक है। अब ये जो x की वैल्यू आ गई हमारे पास, इसको आपको एक फंक्शन में रखना है जो कि होगा 1 में से थोड़ा सा कम, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 1 से छोटा है x, तो हमारे पास आ गया 3, ठीक है। तो ये 3 हो गया हमारे पास, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब निकालते हैं RHL। RHL देखिए, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो जाएगा 1 प्लस h, ठीक है। यानी कि x की जो वैल्यू है 1 से थोड़ी बड़ी है। तो देखिए, यहाँ पे 1 से बड़ी है, तो ये देखिए आप यहाँ पे, यानी कि 1 से बड़ा है x, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने फंक्शन की वैल्यू निकाली, वो आई हमारे पास 3, और जो LHL है वो आया 3, और RHL हमारे पास 4 आ गया, यानी कि तीनों बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं F1 = LHL इज नॉट इक्वल RHL, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अतः एफ एक्स एक्स बराबर 1 पर असंतत है, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब निकालते हैं हम इसके बाद में एक्स बराबर 3 पर, ठीक है। मैंने बताया था ना आपको दो पॉइंट पर चेक करना है, तो एक तो हमने 1 पर निकाल लिया, अब हम 3 पर निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए, यहां पे करेंगे x बराबर 3 पर। तो देखिए, यहां पे सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं f3। f3 यानी कि x बराबर 3 रखना है, तो हमारे पास देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी। x की वैल्यू 3 है, तो हमारे पास आ जाएगा 5, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू आ गई है वो है 5, ठीक है। अब हम निकालते हैं यहां पे LHL। तो देखिए, LHL हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव एफ एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस h, ठीक है। यानी कि x की जो वैल्यू है वो 3 से थोड़ा कम है। तो देखिए, यहाँ पे 3 माइनस, यानी कि 3 से थोड़ा कम है, तो इसका मतलब हम कौन सी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, यानी कि 3 से कम है x, ठीक है। तो हमारे पास 4 आ जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये आंसर 4। अब निकालते हैं हम इसका RHL, यानी कि राइट हैंड लिमिट। ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो जाएगा 3 प्लस h। तो हमारे पास देखिए 3 प्लस h, यानी कि 3 से थोड़ा सा बड़ा, x की वैल्यू 3 से थोड़ी बड़ी है, तो उसमें हमारे पास, उस कंडीशन में हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 3 से थोड़ी बड़ी है x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5। अब देखिए, यहाँ पे मैंने जो फंक्शन की वैल्यू निकाली है वो आई हमारे पास 5, LHL हमारे पास 4 आ गया। तो सिद्ध तो हमारा यहीं पे हो गया कि जो फंक्शन है वो असंतत है, ठीक है। लेकिन
हमने RHL भी निकाला, RHL हमारे पास फिर अलग आ गया यानी कि 5 आ गया। तो सिद्ध हो गया हमारे पास कि जो x बराबर 3 पर है वो फंक्शन असंतत है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं F3 इज नॉट इक्वल फॉर सॉरी LHL, LHL आएगा इज नॉट इक्वल RHL। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं अतः Fx x बराबर 3 पर असंतत है। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल आंसर। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए और ऐसे ही आगे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।